हेलो एवरीवन एज यू ऑल नो दिस इज नी हरकत तिवारी सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीबीए हॉस्टल राइट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल बीबू का कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म्स कब तक आए हैं या आ गए हैं तो आप कैसे यू you नो know, उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन है प्रोसेस या ऑफलाइन प्रोसेस है ठीक है ये सारे डिस्कस करेंगे साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि फ़ीस जो है हॉस्टल की वो कैसे आपको देनी है फीस में ही मैस फीस इंक्लूड होती है या मैस फीस आपको अलग से देनी होती है ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ गाइज वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट की बीबीयू हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कैसे करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्रा है क्या है ठीक है गाइज तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि बीबी यू में एलिजिबिलिटी क्या है तो पहली बात तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको बीबीयू से कोई रेगुलर कोर्स करना होगा अगर आप यहाँ से कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है उसमें दो चीज़ ये लोग कंसिडर करते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट देते हैं ये लोग वो देते हैं आपके डिस्टेंस को मतलब कि इनका ये क्राइटेरिया है कि अगर आप सपोज करें कि अदर स्टेट से हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको दी जाएगी फिर अगर अदर स्टेट से अगर आप इन स्टेट उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए हैं और उसमें भी सबसे दूर वाली जगह से उत्तर प्रदेश की तो फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर अगर आप सिटी के ही हैं लखनऊ में मतलब है लखनऊ के ही आप हैं या लखनऊ से थोड़ा सा ही दूर उन्नाव मान लीजिए कानपुर मान लीजिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस को जो है वो कंसीडर करते हैं तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली नेक्स्ट है यहाँ पे जो लोग कंपैरिजन लेते हैं वो लेते हैं एंट्रेंस की मेरिट का अगर सेम uh, डिस्टेंस वाले लोग हो गए तो फिर उनको कैसे अलॉटमेंट करेंगे तो फिर वो एंट्रेंस में आपका क्या रिजल्ट है उस पर चले जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा होता होगा बट हाँ उनने मैंशन जो किया है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ फिर यहाँ पे जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया वो चीज़ होती है यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने फॉर्म जो है वो टाइम पे अप्लाई कर दिया हो क्या होता है अगर आपने टाइम पे फॉर्म अप्लाई नहीं किया है जैसे कि अगर फॉर्म आ चुके हैं जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि दीदी फॉर्म जो है जब हम काउंसलिंग कराने गए थे हमने पूछा था तो फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है हम अभी ही फिल कर सकते हैं तो मतलब कि फॉर्म आ गए हैं ठीक है ऑफलाइन आपको फॉर्म आराम से मिल जाएंगे जाना होगा आपको काउंसलिंग जहां करवा रहे हैं वहां जाइए फिर डी एस डब्ल्यू ऑफिस जाइए वहां फिल करके फॉर्म सबमिट कराइए अगर आपने अभी सबमिट कर दिया तो आपको अलॉटमेंट जल्दी हो जाएगा ठीक है चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको मिल जाएगा आप अगर पास के भी है ना तब भी आपको मिल जाएगा अगर फॉर्म लेट आप अप्लाई करते हैं तो वो आप लोग को इतना अच्छा घुमाते हैं कि फिर आप भी घूमते रह जाएंगे और हॉस्टल मिलने का तो मतलब दो तीन सेमेस्टर बीत जाएंगे तब नंबर आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है आप कितना झेलेंगे यहाँ पे फिर आपको वो लोग गेस्ट रूम में रख देते हैं और गेस्ट रूम के चार्जेस वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप झेल जाएंगे एज मेरे फ्रेंड्स को झेल चुके हैं तो मैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आपने ये मिस्टेक करे ना तो फिर वो लोग भी आपसे अच्छा बदला ले लेते हैं तो आपको यही करना है कि आप जो फॉर्म है वो टाइमली अप्लाई करें क्योंकि उन्होंने भी आपको बोल रखा है कि आप टाइमली कर दें अगर आप ही इतने ढीले हो गए तो फिर वो भी अपना काम दिखाएंगे आपको ढीला तो ये मेरी एडवाइस है कि फॉर्म आ चुके हैं तो अप्लाई कर दे ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है मैं बता रही हूं आप लोग तो जल्दी करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हॉस्टल की फीस क्या है क्योंकि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि क्या आपका क्राइटेरिया है कैसे फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया आप जहाँ काउंसलिंग करा रहे जिस डिपार्टमेंट में उनसे पूछिए कि हॉस्टल के फॉर्म कहाँ मिलते हैं डी ऑफिस जाइए वहाँ पर वो आपसे फिल विल कराएंगे फॉर्म देंगे फॉर्म फिल करिए फ़ोटो लगाइए फिर जो ऑफिस वो भेजे वहाँ जाके उसको सबमिट करके आइए साइन करवाइए डिपार्टमेंट के ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे ऑफलाइन का ऑनलाइन भरते हैं तो फॉर्म तो आप ऑनलाइन भर देंगे फिर आपको कोरियर कराना होगा फिर आपके डिपार्टमेंट आएगा मैं बोलूँगी ऑनलाइन आप मत जाइए ज़्यादा क्या होता है कभी कभी डिपार्टमेंट तक आता है वो नहीं कराते हैं आगे प्रोसेस तो आपको ही लेट फिर मिलेगा खुद आइए खुद करवा लीजिए अपनी जिम्मेदारी खुद ले लीजिए ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है आप लोग के पास ठीक है या फिर अगर डिपार्टमेंट भिजवाते हैं आप तो आप उनको कांटेक्ट कर करके बार बार पूछिए कि सर आपको मिला है मिला है तो प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड करा दीजिए मेरी एडवाइस है ऑफलाइन सो गाइज यहां पे हम बात करने वाले हैं फीस की हॉस्टल की फीस कितनी है तो हॉस्टल की फीस मोटा मोटा देखे तो चार हजार छह सौ है ठीक है चार हजार छह सौ है जिसमें से दो दो हजार होता है वो आपका होता है क्वेश्चन मनी क्वेश्चन मनी वो आप लोगों से स्टार्टिंग में लेते हैं सिर्फ एक ही बार आपको क्वेश्चन मनी देना है बाद में जब आप पर सेमेस्टर फीस पे करेंगे तो वहां पर आप चार नहीं दो देंगे ठीक है जो दो है वो जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं तो आपको वो वापस कर दिए जाते हैं तो क्वेश्चन मनी का ये फॉर्मेट है लेते हैं क्या कि अगर आपने कोई हॉस्टल की बिल्डिंग तोड़ी या कुछ आपने ऐसा गलत किया तो वो आपके पैसे कट जाएंगे फिर आपको वो दो हजार वापस नहीं करेंगे एक तरीके का ये फॉर्मेट है जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैंने ये बता दिया है ठीक है नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे आते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज भी एक बेनिफिट यहाँ पे है कि जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जो एस सी कैंडिडेट हैं उनको ये बेनिफिट है कि आपको जो पाँच सौ रेंटल देना है वो भी आपको नहीं देना होता है तो इन इस तरीके से देखें तो आपकी फीस जो पहले सेमेस्टर में आप देंगे वो आप देंगे चार हजार एक सौ रुपये क्योंकि पाँच सौ रुपये कट गए और फिर बाद में जब आप दो तो हजार छः सौ रुपये वहाँ पे बाकी लोग दे रहे होंगे वहां पे आपको देने हैं इक्कीस सौ रुपए तो ये हो गई आपकी हॉस्टल फीस ठीक है मेस की बात करें तो मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें सिर्फ आपका रहने का है ठीक है बाकी जो फैसिलिटीज है उसका है यहाँ पे आपका मेस का नहीं है मेस यहाँ पे जो है वो प्राइवेट टेंडर ये लोग देते हैं तो प्राइवेट टेंडर का क्या है कि वो आपको अलग से फीस देनी होगी उसकी जो आपके वार्डन होंगे वो आपसे पूछते हैं कि आप खाना मतलब मेस का लेंगे या अपना बाहर से टिफिन कोई लगवाना चाहते हैं मतलब ये है कि जिस दिन आपको खाना उस दिन का पैसा दीजिए जिस टाइम का खाना उस टाइम का पैसा दीजिए ये बेनिफिट है और ये अच्छा बेनिफिट है गाइज क्या होता है कि कभी कभी होता है हम लोग को लगता है कि नहीं यार मैं इसका खाना नहीं खाना है बोर हो गए तो आप उस दिन पेमेंट ही मत करिए जिस दिन आपको खाना है उस दिन आप पेमेंट करिए उस थाली का पेमेंट करिए बस साठ रुपये सत्तर रुपये ऐसे ही कुछ है ठीक है देख लीजिएगा हर बार तो ये चेंज होता है प्राइवेट टेंडर चेंज होता रहता है मेरे हिसाब से सौ के अंदर ही होगी तो आप देख एक दिन का तो आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है आपको पता चल जाएगा तो ये हमने डिस्कस की हॉस्टल फ़ीस की बात यहाँ पे मेरा जो एडवाइस है आप लोग को जो मैं लास्ट में देना चाहूँगा वो यही है कि जल्दी से जल्द फॉर्म को जो है अप्लाई कर दें हॉस्टल मिल जाएगा जल्दी देर में करेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेके अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो आपको मिलती है तो गैस इसके लिए मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बना रखी थी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी हॉस्टल फैसिलिटीज़ पर मैं एक नई वीडियो भी आपके लिए अभी बना दूंगी तो आप उसको भी देख सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी राइट तो हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है क्यों आपको यहाँ का हॉस्टल लेना चाहिए और क्या नहीं बेनिफिट हैं जो आपको पीजे में मिल सकते हैं जो आप वहां से ले सकते हैं तो उस वीडियो का आप लोग इंतजार जरूर करिएगा ये वीडियो पसंद आई है देन तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू